लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आगे हूँ मैं एक और कमाल और न्यू वीडियो लेकर, जहां पर मैं उन छोटे क्रिएटर्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जिनने अभी तक मोनेटाइजेशन ऑन नहीं कर पाए हैं, जिनके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, उनमें से मैं एक हूँ। तो आपका दर्द मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, आपको मैं अच्छे से क्लियरिफाई कर सकता हूँ कि क्या क्या आप गलतियाँ कर रहे हैं, और एक्सटर्नल व्यूज और एडवर्ड्स के थ्रू प्रमोट करने वाले व्यूज और ये जो आप खुद देखकर व्यूज बढ़ाते हैं, तो इससे आपका वॉच टाइम कैलकुलेट होता है या नहीं, इस वीडियो में सारी बातें प्रूफ के साथ करने वाला हूँ। सिलेबस तैयार करके लाया हूँ, एक हफ्ते के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, यहाँ पर कंप्लीट बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट गुरु। तो चलिए करते हैं शुरू। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं आप, आ गए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले ये जो मैंने कुछ वीडियो टाइटल लिखा है और उसके वॉच टाइम लिखा है, जो भी आज तक मैंने वीडियो बनाई है, सारा वीडियो का टाइटल और वॉच टाइम लिखा है, तो ये शॉर्ट में लिखा है। आप अगर सर्च करेंगे डायरेक्ट तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप वीडियोस पेज में देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये वीडियोस मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी वीडियोस लिखी है और उनके वॉच टाइम यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर कुछ वीडियोस ऐसी हैं, दो तीन वीडियोस जो मैंने आप मेंशन नहीं की है, जो यहाँ पर उसके वॉच टाइम कुछ 10-12 ऐसे करके वॉच टाइम थे, तो मैंने उसको मेंशन नहीं किया है क्योंकि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। अब यहाँ पर टोटल जो वॉच टाइम है उसकी बात करें, तो यहाँ पर टोटल जो होता है 10,697 मिनट, 10,697 मिनट। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं 60 से, तो ये बन जाता है 178.2 आवर्स। यहाँ पर आप 178.2 आवर्स जो दिखा रहा है, अगर हम आपको पब्लिक आवर जो मेरे मोनेटाइजेशन टैब पर हुए हैं वो दिखाएं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 245 सब्सक्राइबर एंड 159 पब्लिक वॉच आवर। तो यहाँ पर 159 पब्लिक वॉच आवर जो दिखा रहा है, लेकिन जो एक्चुअली में यहाँ पर जो कैलकुलेट करने पर आया 178.2 आवर्स लास्ट 365 डेज का जो वो दिखा रहा है यहाँ पर। लेकिन लास्ट 365 का अगर मैं ये स्टूडियो से दिखाता हूँ, तो यहाँ पर 244.6 आवर्स मुझे दिखाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो लाइफ टाइम का है, जहाँ पर 273.8 आवर बनते हैं, और वहीं आपको दिखाऊँ लास्ट 365 के, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 244.6 आवर्स। अगर आप डिफ्रेंस देखते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ अगर आपको, तो यहाँ पर 244.6 आवर माइनस करते हैं जो वहाँ पर मोनेटाइजेशन टैब पर दिखा रहा था 159 वॉच आर, तो ये हो जाता है 85.6 आवर का डिफरेंस, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप 90 डेज का कैलकुलेट करते हैं, तो ये 90 डेज में ये जो वॉच आर मिला है, देख सकते हैं 228.4 आवर। इसको अगर माइनस करते हैं 69.4 आवर्स होता है, इतना डिफरेंस होता है, आप समझ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, कोई कम डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है 69.4 आवर लास्ट 90 डेज में डिफरेंस। अगर आप यहाँ पर वॉच टाइम दिखाता हूँ मैं आपको, ये वॉच टाइम जो मेरे को वहाँ पर दिखा रहा है, तो यहाँ पर वो होता है लास्ट 365 का 244.6 आवर। अगर हम इससे डिफरेंस देखते हैं, जो मुझे लास्ट 365 डेज पर जो मैंने कैलकुलेट करके निकाला है, तो ये 178.2 आवर दिखाता है। अगर इसको भी कैलकुलेट करते हैं, तो 244.6 आवर माइनस 178.2 आवर, तो ये हो जाता है 66.4 आवर। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी समझाता हूँ, ये भी मैंने लिख लिया है। इसके बाद अगर आपको दिखाता हूँ मैं 90 डेज़ का, तो यहाँ पर 90 डेज़ में मुझे 228.4 आवर मुझे मिले हैं। इसको अगर माइनस करता हूँ यहाँ पर 178 आवर से, तो इस पे डिफरेंस होता है 50.4 आवर का। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख ली हैं, 66.4, 50.2। अब आपको दिखाता हूँ इतने डिफरेंस क्यों है। तो जो मेरी ये वाली वीडियो है, जो आप देख सकते हैं गूगल ट्रिक्स वाली, 1094 वॉच टाइम, तो ये जो है मिनट में, इसको मैंने गूगल एडवर्ड्स के थ्रू प्रमोट किया था, तो उससे लगभग आप समझ सकते हैं 1000 वॉच टाइम मुझे मिला था। और जो 94 है मेरा खुद का है जो बाद में आया, इसको प्रमोट करने के बाद मुझे इतना वॉच टाइम मिला। अगर इसको कैलकुलेटर से अगर हम इसको आर में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पर 18.23 देख सकते हैं, 18 आर होता है। 18 आर को अगर हम अलग कर देते हैं, अगर हम 178 को माइनस 18, तो ये हो जाता है 160
लगभग ये यहाँ पर मेरे पब्लिक आर के बराबर पहुंच जाता है। तो मोनेटाइजेशन टाइम में 159 पब्लिक आर दिखा रहा था, लगभग इसके बराबर पहुंच जाता है। तो ये मान सकते हैं हम कि जो गूगल एडवर्ड्स के थ्रू मैंने वीडियो प्रमोट की थी तो उसका यहाँ पर कोई सेंस नहीं निकलता है, मतलब उससे जो भी आपको वॉच टाइम मिलेगा वो इस पर कैलकुलेट नहीं होगा, ये तो बात साफ हो जाती है। इसलिए आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ दिखा दिया मैंने, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हुआ था मेरा वीडियो जो मैंने कैलकुलेट नहीं किया था थोड़ी बहुत, तो उससे कुछ बढ़ गया होगा, तो एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन थोड़ा आप समझ सकते हैं 159 और 160 लगभग सेम है। अगर आप गूगल एडवर्ड्स के थ्रू 2000 रुपीज़ क्रेडिट से जो आपको मिलते हैं उससे अगर प्रमोट करते हैं, आप सोचते हैं कि आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा, लेकिन आपका ना मोनेटाइजेशन ऑन होगा और ऊपर से आपके 4000 रुपये वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप 2000 रुपीज़ स्पेंड करते हैं तभी आपको 2000 बैक में मिलेगा, नहीं तो ऐसे आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर जो इतना डिफरेंस क्यों है, ये आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर अगर हम उससे डिफरेंस देखें जो कि मोनेटाइजेशन टैब में से डिफरेंस था, वो इतना आया था 85.6 आर का डिफरेंस आया था लास्ट 365 डेज पर, जो कैलकुलेट करने पे निकाला इतना डिफरेंस निकला जो लास्ट 365 डेज। तो इतना डिफरेंस क्यों है, इतना डिफरेंस इसलिए है कि यहाँ पर अब आपको दिखाता हूँ। मैंने 9 अप्रैल 2020 से 11 अप्रैल 2020 तक यहाँ पर 3 दिन मैंने अपनी वीडियोस को खुद वॉच किया, जिसपे मुझे मिला 38.9 आर का वॉच टाइम। ये वॉच टाइम जो मुझे मिला ये कैलकुलेट नहीं हुआ एक्चुअली, इससे और डिफरेंस बढ़ जाता है। ये यहाँ पर मैंने एक ट्रिक देखी थी गूगल पे, जहाँ पर बताया था कि खुद से आप 200 टैब कम से कम ओपन करेंगे और उस पर अपनी वीडियो प्ले करेंगे तो आपको अच्छा खासा वॉच टाइम मिल जाएगा एक घंटे में, तो ऐसे आप अपने 4000 घंटे कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक कुछ काम नहीं आई, ये मतलब फेक ट्रिक थी। अगर आप अपनी वीडियोज़ को खुद देखते हैं तो वो आपके वॉच टाइम पर कैलकुलेट नहीं होगा, ये आप लिख के ले लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पर, 159 पब्लिक आर मतलब बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस आप देख रहे हैं जो कैलकुलेट करके मैंने निकाला है ये बहुत ही ज़्यादा है डिफरेंस, 85.6 आर्स कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब जो इतना डिफरेंस है, चलिए मानते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस होना चाहिए इतना नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको खाली डिफरेंस दिखाऊं कैलकुलेट करके 38.9 आर, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये 46.7 आर, तो यहाँ पर 46 आर जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ गए, 38.9 आर जो मैंने खुद देखे थे इसके थ्रू आए थे, तो ये माइनस भी कर देते हैं तो भी 46.7 आर बचते हैं, ये कहाँ पे डिफरेंस इतना कहाँ से आ गया। तो ये बताता हूँ आपको कुछ चीज़ें हैं जो जिससे आपका वॉच टाइम नहीं बढ़ सकता है, तो वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले अगर आप गूगल एडवर्ड्स के थ्रू अपनी वीडियो को प्रमोट करते हैं तो आपका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। सेकंड, अगर आप वीडियोस को खुद देखते हैं, अगर आप अपनी वीडियोस को खुद देखते हैं, अगर अलग अलग टैब पर खोल के अपनी वीडियोस को खुद अगर देख रहे हैं तब भी आपका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो डिवाइस को रजिस्टर्ड कर लेता है कि इस डिवाइस से आप आईडी लॉगिन कर रहे हैं, तो अगर आप उस डिवाइस से अपनी वीडियो को देखते हैं तो वो कभी काउंट ही नहीं होगा। अगर वीडियोस को कोई प्ले करता है, प्ले करने के बाद पूरा देखने के बाद तुरंत वीडियोस को दोबारा देखने लगता है तो वो वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, सिर्फ एक बार का ही वॉच टाइम काउंट होगा। अगर दोबारा या फिर अगर आप मान लें किसी ने आधी वीडियो देखी उसके बाद कुछ टाइम बाद वो दोबारा वीडियो देखा, अगर 10 मिनट का मतलब कुछ ऐसा टाइम रहता है, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं मालूम है, लेकिन 10 मिनट बाद अगर आप देखते हैं दोबारा वीडियो तो काउंट होगा, लेकिन अगर आप तुरंत ही देखते हैं तो काउंट नहीं होगा। ये उनकी बात कर रहा हूँ जो दूसरे लोग आपकी वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आप खुद देखते हैं तो वो तो काउंट वैसे भी नहीं होगा। उसके बाद अगर आप वीडियोस में एक्सटर्नल व्यूज़ कहीं से मंगवाते हैं, जैसे कि किसी को आप पैसा देते हैं और बोलते हैं उससे कि एक्सटर्नल भाई व्यूज़ डाल दो, तो उसमें कुछ आपको वॉच टाइम मिलता है या फिर वॉच टाइम का अपन प्लान लेते हैं तो उससे जो अगर व्यूज़ आते हैं उससे वॉच टाइम आते हैं तो आपको वो काउंट नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप अपनी वीडियोज़ को कहीं प्रमोट करते हैं, मान लीजिए आप फेसबुक के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, तो वो भी आपको वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, किस तरीके से प्रमोट करना है, किस तरीके से वॉच टाइम काउंट होगा, ये आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, किस तरीके से वॉच टाइम काउंट करना है और क्या क्या मतलब थोड़ा सा हैक्स बताऊंगा आपको कि आप गूगल की नज़रों से थोड़ा सा चुरा के आप किस तरीके से वॉच टाइम गेन कर सकते हैं,
अपनी वीडियो को एडवर्ड्स के थ्रू प्रमोट करके या फिर अपनी वीडियोस फेसबुक एड्स के थ्रू प्रमोट करके, तो वो आने वाली वीडियो में बताऊंगा मैं। दोस्तों वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में काफ़ी मेहनत लगी वीडियोस बनाने के लिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्या क्या वॉच टाइम किस किस तरीके से काउंट होते हैं, किस किस तरीके से वॉच टाइम काउंट नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।